हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम ये एक एंट्रेंस लॉबी क्रिएट करने वाले हैं जिसका ये मेन डोर है, ठीक है, और ये एक साइड में विंडो है। उसके बाद हम एंट्रेंस लॉबी में यहाँ आएंगे, ठीक है, सीन टू पे, जिसमें आप देख सकते हैं ये सीटिंग एरिया है। यहाँ पे शू रैक वगैरह हम रख सकते हैं। ये पाउडर रूम क्रिएट हुआ है जो कि नॉर्मल एंट्रेंस लॉबी के लिए, बंदों के लिए होगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से लॉबी के लिए एंट्री है और यहाँ से ड्राइंग रूम के लिए एंट्री रहेगी, ठीक है। तो आज चलिए जल्दी से बनाते हैं इसे और देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने पीछे एक ड्राइंग रूम बनाया था, उसमें एक एंट्रेंस लॉबी से डोर को एंट्रेंस लॉबी से एक ड्राइंग रूम में एंट्री दी थी, ठीक है, और एक लॉबी में एंट्री थी हमारी। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके साइड में हम एक एंट्रेंस लॉबी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वही हम आगे के उसमें बना रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। एक वीडियो में हमने इसे बनाया है एंड दूसरे में हमने इसे रेंडर भी किया है, और रेंडर की भी कुछ फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने कुछ रेंडर्स निकाले थे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम एक दो चीजें चेक कर लेंगे। जैसे ये जगह 18 इंच है एंड 3.5 फुट का हमने डोर रखा था, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे रिलेट करके हम अपना एंट्रेंस लॉबी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक रेक्टेंगल ले ले रहा हूँ जो 12 फुट, 9 फुट का है, ठीक है। अब इसमें हम 9 इंच का दीवार क्रिएट करेंगे, और अब यहाँ पे जो है ये, ठीक है, ये हमारी जगह बनेगी, ये 9 इंच का दीवार, और उसके बाद 3.5 फुट का यहां पे अपना जगह बनेगा जो कि एंट्रेंस लॉबी में, सॉरी, ड्राइंग रूम में एंटर करेगा यहां से, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं थोड़ी देर के लिए एक्सिस को बंद कर दे रहा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस ड्राइंग रूम में एंटर करेंगे, यहां से एंट्रेंस लॉबी में हम यहां से एंटर करेंगे। यहां से थोड़ी सी जगह इधर हट जाएगी एंड उसके बाद हमारा डोर आ जाएगा 3 फुट 6 इंच का। इसे और कम कर सकते हैं, 4.5 का भी कर सकते हैं, ठीक है। इस 9 फिट को मैं इसे 10 फुट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जगह है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और उसके बाद जैसे ये तो हो गया कि हम ड्राइंग रूम में यहाँ से एंटर करेंगे, लेकिन अब हमें क्या करना है, आगे भी एंटर करना है लॉबी में। लॉबी के लिए भी एक रास्ता होगा, तो हम यहाँ पे 4 फुट 6 इंच का ऑफसेट देते हैं और ये जगह बचेगी हमारी 5.5 फुट, ठीक है। हम इसे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा ऐसे, ये मैंने बस अभी रैंडम लिया है, इसे हम और आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ से बनेगा 5 फुट की जगह एंड उसके बाद 9 इंच की वॉल एंड फिर से 5 फुट की जगह बन जाएगी, ठीक है। 5 फुट और, या आप चाहे तो 1 फुट और कवर कर सकते हैं। 1 फुट और मैं कवर कर ले रहा हूँ। इसे आगे तक बढ़ाते हैं और ये 9 इंच की जगह आ जाएगी, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। इसे हम बंद करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 5 फुट एंड उसके बाद हमारा होगा 9 इंच। जरूरी नहीं है कि 9 इंच की वॉल हो, 4.5 की वॉल रख सकते हैं। मैं बस अभी प्लान कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इसे आगे क्लोज करते हैं। ठीक है, इसे मैं यहाँ कर देता हूँ और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये चीज़ है क्या, ये हमारा एंट्रेंस लॉबी बना, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारा, आप कह सकते हैं शू रैक है या कुछ भी है, यहाँ सिंपल एक वॉल पे डिस्प्ले होगा। ये हमारा एक पॉड रूम बनेगा, ठीक है, ताकि अगर किसी को बाहर से जरूरत है तो वो यहाँ से यूज करे एंड बाहर जा सकता है। इसके बाद यहाँ से हमारा ड्राइंग रूम का एंट्री होगी, ये दीवार यहीं पे रहेगी, ठीक है, इस तरीके से।
तो आप समझ गए। तो अब हम इसे क्या करने वाले, खड़े करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। साइजेस आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइजेस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमें चीजें मिल रही हैं। और हाँ, हम टॉयलेट अभी नहीं बना रहे, एक पाउडर रूम का भी मैंने छोटा सा बना रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। हम जब इंटीरियर करेंगे तो हम बस ये इतने हिस्से को बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लोर को बना लेते हैं मेक ग्रुप, उसके बाद वॉल को क्रिएट करते हैं। ये एक साइड का वॉल हमारा हो जाएगा और ये दूसरी साइड का वॉल हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरे वॉल को भी करते हैं, पहले नीचे एंड फिर इसके बाद ऊपर कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये हो गए। हम डोर रखेंगे 8 फुट का ही, सिंपल इस तरीके से। तो इसे मैं 2 फुट नीचे कर रहा हूँ। इसे मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि ये इजीली हो जाए, सीमलेस लगेगा, ऐसा लगेगा नहीं कटा हुआ है। ठीक है, ले अब हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये जो हमारा है, इस पे भी हमें 2 फुट का वो करना है, 2 फुट इधर से बंद, और ये डोर की जगह बन गई जो ड्राइंग रूम में जाएगी। ठीक है, और ये एंट्रेंस लॉबी के लिए है, तो इसे भी हम यहाँ कर सकते हैं। मैं इसमें इस वॉल को यहाँ ले आता हूँ 2 फुट, ये यहाँ आ जाएगा, एंड इसे खींच के यहाँ ले आते हैं। इस वॉल में से इसे हटा देते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया, यहाँ पे भी पार्टीशन आपको रखनी है तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पार्टीशन बस 1 फुट ही रखूंगा, ठीक है, जो कि हमारी अगर बीम वगैरह भी आती है तो वो बस यहाँ पे हाइड आउट हो जाए सीलिंग के नीचे। ठीक है, टॉयलेट के डोर में भी सेम चीज़ होगी, 2 फुट नीचे आएगी। ठीक है, ये चीज़ें बन गई हैं। अब हमें एक तो इसकी विंडो क्रिएट करनी है, तो विंडो क्रिएट करते हैं यहाँ से, ये सेंटर में रखते हैं, हमारे पास जगह है। ठीक है, तो हम यहाँ से 4 फुट की विंडो रखेंगे, हाइट हमारी टोटल 8 फुट ही होगी, 8 फुट, 2 फुट इधर और 7 फुट नीचे, ये हो गया 4 फुट, हाइट 7 फुट और यहाँ। ठीक है, ये हमारी विंडो बन गई। इफ यू नी आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर करना चाहिए तो ठीक है, नहीं कि तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, ये देखिए, अब थोड़ी सी जगह जो यहाँ पे है मैं एक्स्ट्रा रखूंगा, क्योंकि ये जो जगह हमारी बनती है ये 1 फुट पौना इंच बनती है, तो मैं इसे प्रॉपर 3.75 इधर कर देता हूँ और इसे यहाँ से खींच लेते हैं 3.75। ठीक है, यहाँ पे बीच में सिर्फ 9 इंच का एक पाया बन जाएगा एंड उसके बाद हमारी विंडो बन जाएगी। अब जो जगह बचती है वो है डोर विंडो, तो बन गया है, इसे हम चौखट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा डोर ओपनिंग को इसे भी क्रिएट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टक इधर दिखेगा ताकि दरवाजा उस पे जाके ना टकराए। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा डोर 3.5 फुट का है। मैम को यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा एंट्रेंस लॉबी बना है, टॉप यहाँ पे है, इसे सेट करते हैं क्यूरिक अलाइन करके, क्यूरिक अलाइन हमारा ऑन है, टॉप व्यू। ठीक है, व्यू एनिमेशन एड स्क्रीन क्रिएट स्क्रीन सेव।
अब क्या करना है, सिंपल हमें अपना वॉल पहले क्रिएट करना है। उसके पहले आप चाहें तो इसके ऊपर स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर स्टोन क्रिएट कर दे रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा विंडो सेट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने मेन इस पे, ठीक है, क्योंकि इसमें विंडो जब डोर खुलेगा तो वो काफ़ी दूर तक यहाँ तक आएगा, इसलिए हम इस वॉल पे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक वॉल को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसे टोटली 9 फुट के हाइट पे ही बनाएंगे। तो 9 फिट एंटर यहाँ, ठीक है। इसके ऊपर हमारा सीलिंग रहेगा या इससे थोड़ा बहुत नीचे आएगा, क्योंकि ये हाइट भी हमारी 9 फुट है, तो हम इसे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं या फिर इसी को 3 इंच ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी फाइनल सीलिंग रहेगी। तो अब आते हैं यहाँ पे, इस दीवार पे हमें क्रिएट करना है, तो सबसे पहले एक नया रेक्टेंगल लेते हैं, ये इसे 3 इंच बाहर निकालते हैं, ठीक है। और अब इसे डिवाइड करेंगे हम 8 हिस्सों में, ठीक है। अब 8 हिस्सों में ये जगह लगभग 1.5 1.5 फुट के पार्टीशन में बनती है इस तरीके से। अब क्या है कि इसमें से ये दो जगह यहां से हट जाएगी, ये जगह और ये जगह भी इरेज करते हैं, और यहां पे हमारा एक्चुअल में डिजाइन बनेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत कम ज्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है कि और बड़ा करना चाहिए, ऐसे मेरे हिसाब से ये 3 फुट की जगह है, काफी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप और बढ़ा सकते हैं। मैं इसे 6 इंच और कर दे रहा हूं, ठीक है, इतना काफी होना चाहिए, या ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से 2 फुट 9 इंच, 3 इंच, और ये लास्ट में बचा है 9 इंच की जगह, तो इसे भी और कम कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा एक तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे टोटली को ही 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, सीधा सीधा ऐसे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे डिवाइड करना है इन्हें, और उसके बाद हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो मैं इसे 3 हिस्से में डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड 3, 1 1 इंच के तीनों हिस्से बनेंगे, 1 इंची अपना सपोर्ट होगा एंड दूसरा 1 इंच जो होगा वो कोव लाइट के लिए बनेगा। हम वहाँ पे प्रोफाइल लाइट को सेट कर देंगे। हमने इसे थोड़ा सा बाहर ही निकाला है, क्योंकि हमें जो जब हम वीरे पे काम करते हैं तो हमें लाइट्स को थोड़ा दिखाना पड़ता है, और कोव लाइट के अंदर जब लाइट दिखती नहीं है तो कई बार वो जलती भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक जगह क्रिएट बना लेते हैं सरफेस, और यहाँ पे 1001 बीट की मदद से हम लूवर्स क्रिएट करेंगे इस तरीके से। तो वो हमारा होगा डेप्थ में 0.5 इंच, ठीक है, चौड़ाई 1 इंच और 1 इंच का गैप, तो मतलब 2 इंच, एंगल 0, फ्रंट फेस पे क्रिएट करना है, एंड ये हो गया क्रिएट, ठीक है। सेम एक और है ये, और फिर से इसे सेलेक्ट किया, और इस बार हमें हॉरिजॉन्टल में देखना है, तो सेम चीज हम हॉरिजॉन्टल में भी करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 डेप्थ, 1 इंच चौड़ा, 1 इंच का गैप, एंगल 0, फ्रंट, क्रिएट लूवर्स, ठीक है। तो अब ये क्रिएट हो गए हैं, इससे उठा के मैं कर लेता हूँ इधर यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे वाले को 0.5 अंदर। इससे यहाँ से हटाते हैं, दोनों तरफ से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसे हटाते हैं। ये सेट बिल्कुल पूरा पूरा सेट हुआ है यहाँ पे, नहीं थोड़ा सा एक साइड से गैप है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, तो इन्हें भी थोड़ा सही करते हैं, 0.5 इधर खसकाते हैं इसे,
ठीक है, और जो ये भी है इसे भी हम 0.5 ऊपर की तरफ खसकाएंगे बैक वाले को, ठीक है, 0.5 एंटर। जो ये एक्स्ट्रा लाइन है उसे हटाना है, तो इन दोनों को यहाँ से हटाते हैं। तो ये देखिए मेनली ये ही हमारा आज का हाईलाइट है वॉल पे, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे लेयर्स में क्रिएट कर देते हैं, हम टैग क्रिएट कर लेते हैं, टैग ये रहा हमारा, एक टैग क्रिएट करते हैं फ्लोर, ठीक है, एक टैग क्रिएट करते हैं सीलिंग, एक और वॉल, एक वॉल वन, ठीक है। तो अब हर एक को सिलेक्ट करके बनाते हैं। ये हो गया हमारा वॉल वन, ये हो गया हमारा वॉल वॉल, एंड ये हमारा हो गया फ्लोर फ्लोर। तो वॉल वन को अभी हाइड करते हैं और फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है, हम अब सीलिंग को थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सीलिंग हमारा यहाँ से यहाँ आएगा, वॉल्स में ये, ठीक है, मेक ग्रुप, ये 9 इंच पीछे है, इसे नीचे करते हैं 1 फुट और फिर इसे इधर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वाई एक रेक्टेंगल यहाँ तक, ये इधर, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। इसे करते हैं रिवर्स फेस, ठीक है। ये हमारा ऐसे सीलिंग बनेगा जिसमें ये वाला हिस्सा हमारा बीम का हो गया, जो बीम के नीचे अगर आता है तो वो ढक जाएगा। सीन वन हमारा टॉप व्यू है, ये एंट्रेंस है, और इसे हम सीन टू क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं वॉल वन को बंद करता हूँ, ठीक है, और ये हमारा बनेगा सीन टू, ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप सेक्शन चाहें तो सेक्शन कट कीजिए, सेक्शन कट करने से मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, रेंडर वगैरह करने में। अब हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है, यहाँ पे एक तो ग्रूव क्रिएट करना है इसमें, तो इसमें ग्रूव क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा ग्रूव क्रिएट करेंगे बस यहाँ पे डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो जगह हुई ये हमारा हाइलाइटर वॉल हो गया। यहाँ पे हम एक वॉल लाइट लगाएंगे या फिर हैंगिंग लाइट के साथ भी कर सकते हैं, एंड उसके बाद एक सोफा रहेगा एंड एक हमारा ग्रीन प्लांट रहेगा, ठीक है। तो इसे इसे मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसे फ्लिप कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सोफा इधर यहाँ से लगाऊंगा पूरा, ठीक है, यहाँ तक सोफा आएगा। तो ये चीज जो मेरी है हाईलाइट वो छुप जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसे फ्लिप कर दे रहा हूँ बस, ये फ्लिप यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा एक प्लांट आ जाएगा, थोड़ा सोफा यहाँ तक आएगा और थोड़ी जगह दिखेगी, ठीक है। तो एक तो पहले यहाँ विंडो लगा देते हैं, उसके पहले डोर आ गया, डोर को रखते हैं, सेट करते हैं डोर को, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटाते हैं, डायनेमिक कंपोनेंट को सेट करते हैं ऊपर, इसे लेके आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इसे फ्लिप करते हैं और इसे स्केल कर लेते हैं अपनी जगह पे, तो ये डोर इजीली हमारा यहाँ पे खुलेगा इस तरीके से। एंड विंडो लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो विंडो के पास हमारा एक चीक चीक्स लग जाएगा, यहाँ एक सोफा आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा आएगा एक प्लांट, ठीक है, बीच में एक सेंटर टेबल है, और यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो हम एक शू रैक रख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एक सोफा के लिए रख दे रहे हैं, बाकी जब हम इंटीरियर इसका रेंडर करेंगे तो रेंडर के टाइम पे बाकी और चीज़ें रख लेंगे, जैसे प्लांट हो गया, टेक्सचर हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे जो हम शू रैक रखने वाले हैं वो भी, ठीक है। तो जल्दी से एक सोफा और चिक्स रखते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें, जैसे सोफ़ा, तो सबसे पहले सोफे को सेट कर देते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा एक सोफ़ा रहेगा इस तरीके से, एंड उसके बगल में हमारा पॉट आ जाएगा जो भी हमारा वो प्लांट का रहेगा। ठीक है, और अभी मैंने एक चीज़ और देखा था, जो हम ये सॉलिड वॉल क्रिएट कर रहे हैं इसकी जगह हम पार्टीशन भी लगाएं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो चीज़ भी मैं अभी क्रिएट करता हूँ। मैं सॉलिड वॉल को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और विंडो में चीक्स को क्रिएट कर दे रहे हैं, इसे सिलेक्ट करके यहाँ, ठीक है, और इसे स्केल करके यहाँ सेट कर दे रहे हैं। ये बस इतना ही रह जाएगा। अब रही ये वॉल, तो इस वॉल को हटाते हैं यहाँ से, ऐसे पूरा वॉल नहीं हटाएंगे हम, इसे थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है, तो मैंने लगभग 9 इंच पीछे से जगह रख ली है, 9 इंच में 3 इंच तो हमारा छुप जाएगा, बाकी 6 इंच ही दिखेगा। ठीक है, और जो फ्लोर है इसे भी हम सेट कर लेंगे फिर इसी हिसाब से, तो यहाँ से 9 एंटर करते हैं, ये यहाँ, ये इस तरीके से सेट। ठीक है, और ये जो जगह है अब इसे हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह है तो हम इसे बढ़ाने वाले हैं 18 इंच, और सेम इसे कैमरा व्यू पे पैरेलल प्रोजेक्शन करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये हो गया, एंड इसे अब यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें सही नहीं हुई है, इसे कर देते हैं यहाँ, ठीक है, ये हट गया, ये और ये भी हट गया, यहाँ भी हट गया। ठीक है, इस साइड को चेंज करते हैं, यहाँ से कैमरा को प्रोस्पेक्टिव में लाते हैं, ठीक है, ये हमारा बन गया है। अब बस इसे यहाँ से उठा के यहाँ लगाना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसी फेस पे लगाएंगे, हम अंदर के फेस पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये देखिए ये एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। सीलिंग को भी हमें थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, सीलिंग को भी हम इसे यहाँ से मात्र 9 इंच ही पीछे रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जो ये बची हुई जगह है उसे हम उठा लेंगे, हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अभी हम देखते हैं हमें कितनी जगह ऊपर करनी है। टोटल हमें 4 इंच ही जगह ऊपर करनी है, हमारे पास जगह है 1, 2, 3 और 4, हम 4 इंच ही जगह ऊपर करते हैं इसे, स्ट्रेच 1, एक और। ठीक है, तो ये देखिए ये आराम से टच हो गया ऊपर, और ये हमारी जगह भी बन गई, इसकी प्रॉपर थिकनेस देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा पार्टीशन क्रिएट हो गया इजी, एंड हमारा अच्छा भी लगने लगा, सॉलिड दीवार से ज़्यादा सही है पार्टीशन हमारा। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें हम फैन लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सी एग्जैक्ट रेंडर के टाइम पे ही करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।